नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना संक्रमितों का मामला अब 3000 पहुंचने वाला है, बिहार के करीब 9 जिले 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बिहार के लोग संभले नहीं हैं। ये नहीं समझ पाए हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। बिहार में 1900 से ज़्यादा मामले जो आए हैं वो प्रवासी मजदूरों के आए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना सामने आई है जो ये दर्शाता है कि बिहार के लोग अभी भी सावधान नहीं हुए हैं। बाहर से आ रहे लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से महज कुछ देर पहले रानीहाट रेलवे फाटक के पास की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुछ मजदूर आए हुए थे जो कि सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन जाने वाले थे, लेकिन रेलवे स्टेशन आने से पहले ही रानीहाट रेलवे फाटक पर ट्रेन को वैकम करके रोका गया। उसके बाद सभी श्रमिक मजदूर वहीं पर उतर गए, उसके बाद अपने अपने साधनों से किसी भी तरह व्यवस्था करके घर भागने का प्रयास कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर वो स्टेशन पर उतरते तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती, फिर उन्हें पंचायतों में बने क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जाता, 14 दिन तक रखा जाता, जिससे कि लोगों तक संक्रमण नहीं फैल पाता। अगर वो पॉजिटिव पाए भी जाते तो उनका इलाज सही तरीके से हो पाता, लेकिन उससे पहले ही सभी श्रमिक रानीहाट रेलवे फाटक के पास ही उतर गए, वो भी ट्रेन को वैकम करके। जब ऑटो के पास उन्हें पकड़ा गया, देखा गया कि मजदूर भाग रहे हैं, उनसे पूछताछ की गई, तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाना है? तो ट्रेन से उतरे हैं अभी? आप ऐसे कैसे आप उतर के भाग गए वहाँ से? भाग नहीं गए, पता नहीं था हमको कि चेक होगा यहीं पे। ऐसे आप लोग क्यों भाग रहे हैं? जब भाग नहीं रहे हैं, भाग ही तो रहे हैं। ऐसे चैन ढाला पे उतरने का क्या मतलब है रेलवे फाटक से? रेलवे फाटक से उतरने का क्या मतलब है? जब सब उतर रहा था तो हम भी उतर गए साथ में। ट्रेन यहाँ कैसे रुकी थी? मुझे क्या मालूम है कैसे रुकी थी। आप आ रहे हैं कहाँ से? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। जाना कहाँ? तड़ियामा। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। एक छोटे से ई रिक्शा में इतने सारे सामान के साथ इतने सारे प्रवासी मजदूर एक साथ बैठे हुए हैं। ऊपर से ये बात काफ़ी शर्मनाक है कि स्टेशन आने से पहले ही, उनका जो गंतव्य स्थान था वो आने से पहले ही वो ट्रेन को वैकम करके उतर जाते हैं, जबकि ये अच्छी तरह से पता है, लगातार खबरों में ये बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि अभी बिहार को सबसे ज़्यादा खतरा प्रवासियों से है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जितने भी मामले थे बिहार में उतने कम थे, लेकिन जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ तो लाजमी है कि मामले बढ़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बजाय ट्रेनों से पहले उतर जाते हैं, इस डर से कि उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, वो अगर पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, और अगर स्टेशन पर मिले तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में 14 दिनों तक रखा जाएगा। 14 दिन के इंतजार के बदले इन्होंने भागना सही समझा। प्रशासन अभी भी इससे अनजान है। अब देखना यह होगा कि इन सब मजदूरों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहरसा जिले के लोगों को जरूरत है कि ज्यादा सावधान रहने की, और ये आपका भी दायित्व बनता है कि आपके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो या फिर आपके परिवार में ही कोई ऐसा सदस्य आया हो तो आप प्रशासन को इत्तला करिए और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दीजिए। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।